हाय फूडीज, वेलकम टू कुक विद दीपिका। आज मैं आपको खस्ता ठेकुआ बनाने के लिए कुछ आसान से टिप्स दूंगी। ठेकुआ छठ पर्व पर बनाया जाने वाला सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट पकवान है। इसके बिना छठ पूजा नहीं होती। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का फेमस पकवान है। यदि आप भी इसे घर में बनाना चाहते हैं तो ये टिप्स अपना ले, आपने आपके बनाए ठेकुए में भी गजब का स्वाद और खस्तापन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप ये है कि खस्ता ठेकुआ बनाने के लिए थोड़ा दरदरा पिसा हुआ आटा लें, जिसमें हल्का सा चोकर रहता है। वही आटे में थोड़ा सूजी मिलाकर खस्ता ठेकुआ बना सकते हैं। जैसे 250 ग्राम आटे में 100 ग्राम सूजी पर्याप्त होगी। आटे में चीनी या गुड़ की चाशनी डालने से पहले इसे अच्छी तरह ठंडा हो जाने दें। यदि गरम चाशनी डालेंगे तो आटा चिपचिपा हो जाएगा और ठेकुआ जो है तलने के बाद अंदर से कच्चा रह जाता है। अगर आपको ठेकुए में बहुत अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप जो खजूर का गुड़ आता है मार्केट में, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खस्ता ठेकुआ बनाने के लिए मिश्रण में घी की मात्रा ठीक ठाक ही रखें। आप चाहें 250 ग्राम आटे में 75 से 100 ग्राम घी डालकर खस्ता ठेकुआ बना सकते हैं। ठेकुए में यदि चाशनी डालकर आटा नहीं गूंदना चाहते हैं तो इसमें गुड़ को दरदरा कूट कर मिला सकते हैं। फिर इसमें दूध मिलाकर सख्त आटा गूंद सकते हैं। आटा दरदरा और खस्ता होगा तो ठेकुआ टेस्टी और खस्ता बनेगा। मिश्रण में आप ड्राई फ्रूट डालने से पहले इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लें और छोटे टुकड़ों में काट लें या कूट लें। बड़े टुकड़े अगर बाहर दिख रहे हैं तो इन्हें अंदर की ओर दबा दें, क्योंकि तलते वक्त ये जल सकते हैं। आटे के ठेकुए बनाने के बाद कुछ देर प्लेट पर ही इसे रहने दें। अगर आप अच्छी तरह से आटे के ठेकुओं को प्लेट में फैला देंगे तो वो आसानी से ठंडे होंगे, और एक दूसरे के ऊपर अगर आप रखेंगे तो उसमें जो है मॉइस्चर आ सकता है। इसीलिए आप ध्यान रहे कि उसे अच्छी तरह से फैलाएं। और फूली और कुरकुरी पूरी के लिए यह क्या कर सकते हैं आप, तो ठेकुए को तलते वक्त खास ध्यान रखें कि तेल या घी आप जो भी गरम कर रहे हैं तो उसकी आंच जो है सबसे पहले आप अच्छे से गरम कर लें तेल या घी को, और फिर धीरे कर दें उसकी आंच। धीरे करने के बाद ही इसमें ठेकुए डालें। इन्हें बीच बीच में आप चलाते रहें ताकि यह जले नहीं। इन टिप्स के साथ आप और टेस्टी कैसे बना सकते हैं ये जाने कि ठेकुए में आप अपने अनुसार काजू, इलायची, किशमिश, छुआरे या जो आपका मन हो वो ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हैं। इससे भी ठेकुओं का जो टेस्ट है वो और रिच हो जाता है। तो इस छठ पर आपके ठेकुए कैसे बने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।